हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और यहाँ मैं अपने गांव मायके में हूँ, तो आज मैं आप लोग का अपना मायके में मेरा घर कैसा है गांव में वो आप लोग को मैं दिखाऊंगी। तो बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को भी मैं अपना मायका टूर कराती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उससे पहले ही मैं जल्दी से जल्दी छोटा वीडियो बनाने का सोचूंगी। तो ये देखिए, सामने ये केले के पौधे लगा रखे हैं मम्मी ने, इसमें केले भी होते हैं। इधर कड़ी पत्ता है, उसके बगल कनेल है, और इधर इंजन लगा हुआ है, चारा वगैरह काटने का समरसेबल लगा है। और ये सामने भूसा वगैरह रखते हैं जो वो आता है, तो वो उसका है। और इस तरफ है हैंड पाइप लगा हुआ है, इधर जानवर वगैरह बांधने का बना हुआ है। और ये नीम का पौधा है, तो हम लोग के यहाँ अक्सर सबके लोग के यहाँ द्वार पे नीम का पौधा होता है। अच्छा होता है नीम का पौधा लगाना, उसमें पूजा वगैरह भी करते हैं, जल वगैरह चढ़ाते हैं। और कभी कभी जब लाइट चली जाती है तो हैंड पाइप से काम हो जाता है। और उस तरफ जो दिख रहा है वो भी जानवर बांधने का है अंदर। और ये लगा रखे हैं कुछ फूल पौधे इधर भी, अपराजिता का, समी का, और ये वाइट वाले छोटे छोटे फूल होते हैं, और गुड़हल का। तो ये घर के इस तरफ लगा रखे हैं पौधे। और देखिए आंवले कितने अच्छे फल रखे हैं, ये मेन द्वार पे ही है हम लोग के, तो बहुत सारे आंवले इसमें होते हैं। और बस यहाँ से शुरू हो जाता है घर का। तो यहाँ पे ये काफ़ी पहले का घर बना हुआ है मेरा। और इस तरफ अभी धान वगैरह कटे थे, तो बोरियों में धान ला के मजदूर यहीं पे रख दिए हैं। इसको अंदर रखना है सेट करके, तो अभी रखा नहीं गया है। और ये इधर बस बरामदा कूलर वगैरह लगा हुआ है घर में, और ये खिड़की है घर कमरे की बाहर से, इधर से बस में एंट्री है। तो ये शटर लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग घर के अंदर घुसते हैं। और ये बैठक बोलते हैं इसमें, जैसे कोई भी आता जाता है तो यहीं पे बीच में अपना गेस्ट वगैरह भी बैठते हैं, आते जाते हैं तो। और यहाँ पे बच्चे सुबह सुबह का टाइम है तो नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। और अभी यहाँ से सारे, क्योंकि बच्चे इकट्ठा हुए हैं तो इतने ज़्यादा शरारत करते हैं छोटे बच्चे, तो सब कुछ हटा के साफ करके रख दिया गया है उसी पे। अब बगल बगल के भी बच्चे इतने सारे आते हैं इन लोग के साथ खेलने के लिए, तो पूछिए ही मत, भीड़ लगी रहती है। और यहाँ पे ये दो रूम है, तो पहला रूम उस तरफ का राशन का है, ये रूम मेरी मम्मी का है, इसमें यहाँ पे ड्रेसिंग रखा हुआ है। और ये अलमारी बनी है, बस उसके ऊपर कापी किताब रख रखे हैं भाई बहनों के, ये पढ़ाई की कापी किताब हैं जो यहाँ रखे हुए हैं। और कुछ कपड़े और उस जैसे घर के सामान वगैरह इधर रखे हुए हैं। और ये तख्त है, और बस इधर ट्रंक रखा हुआ है। पहले के समय में ट्रंक जरूर लेते थे, उसमें रजाई गद्दे वगैरह भर के रखे जाते थे, तो काफ़ी अभी इसको हटाना भी है, लेकिन ये काफ़ी इतना बड़ा है कि दरवाजे से निकलना इसका मुश्किल हो गया है, इसको अब काट के ही निकालना पड़ेगा। काफ़ी पहले ये रखा गया था, तब से तो वहीं रखा हुआ है। और इधर ऊपर टाँड जैसे बोलते हैं, तो पहले के समय में बने हुए हैं, इसमें सामान वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो ज़्यादा यूज नहीं होते वो रखे रहते हैं। तो इस तरह से ये रूम है मेरी मम्मी का, तो हम बहनें आती हैं तो बस इसी में हम लोग रहते हैं, मैं और मेरी बहनें, भाई मम्मी के कमरे में ही। माँ वैसे भी माँ के कमरा जो होता है वो बहनों का होता है। और अब वैसे तो अभी भाई की शादी नहीं हुई है, तो कहीं भी रहें कोई वो नहीं है। और यहाँ पे ये राशन वगैरह का है रूम, इसमें राशन सारे ही सामान जो होते हैं गृहस्थी के, और खेत वेत के जो भी अनाज वगैरह जो भी आता है, सारी ही चीज़ें इस रूम में रहती ही रखी, और बस यहीं से निकालना और यूज करना होता रहता है। बड़े बड़े यहाँ पे ट्रंक वो भी रखे हुए हैं, टंकी वगैरह जिसमें सामान रखा रहता है। इधर इन्वर्टर लगा है, इन्वर्टर नीचे था। और बस यहाँ से गैलरी है, गैलरी से दोनों ही तरफ रूम है, दो रूम है गैलरी के। और ये बाहर जाने का, बाहर का आपको दिखा ही दिया है, ये पंखा ऊपर, इधर घड़ी लगी हुई है, सुबह का भी 9 बज रहा है। तो ये बस इधर से अब अंदर जाएंगे, तो ये दोनों तरफ, एक तरफ किचन है और दूसरी तरफ हम लोग का रूम है, छोटा रूम है। पहले, सबसे पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं उस रूम में रहा करती थी, और उसके बाद बस मेरे बाद मेरी बहनें, नंबर वाइज सबका चलता रहा। तो सबसे पहले मैं इधर किचन दिखा रही हूँ, तो ये किचन है, और इधर फ्रिज रखा हुआ है, घुसते ही बगल में फ्रिज है,
और ये इधर मिक्सी रखी हुई है, मम्मी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मम्मी अभी कुछ लेने के लिए उधर गई हुई हैं बाहर। और बस यहाँ पे ये इधर डिब्बे वगैरह जितना भी सामान है, दाल वगैरह सब सब इधर, सब छोटे मसाले वगैरह के नीचे रखे हुए हैं। और इधर बस बहुत छोटा सा है, मम्मी अपना सेट करके रखी हुई हैं सारे सामान, नीचे भी बर्तन, बड़े बड़े बर्तन वगैरह। इधर इधर एक बॉक्स रखा है, उसमें भी बहुत सारे बर्तन ही रखे हुए हैं। टंकी है, आटे की टंकी है, और उधर फल फ्रूट सब्जियां वगैरह एक्स्ट्रा जो होती हैं उसके ऊपर रखे हुए हैं। और इधर जो डोलू वगैरह है उसमें भी, जैसे गृहस्थी की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किचन में कितना भी सामान कितनी भी चीज़ें रख लीजिए पर कमी रहता है। और बस इसके ऊपर ये स्टैंड यहाँ बर्तन का है, इधर सिंक लगा हुआ है, और ऊपर ऊपर ये है ताड़ बना हुआ है यहाँ पे भी। तो यहाँ भी किचन के जो एक्स्ट्रा बड़े बड़े बर्तन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो अचार उचार मम्मी काफ़ी बना के रखती हैं, तो एक्स्ट्रा अचार जो बड़े बड़े डिब्बों में बना के रखती हैं वो ऊपर रख देती हैं, अचार खटाई वगैरह, जब थोड़ा थोड़ा ज़रूरत पड़ता रहता है तो उसको निकालती रहती हैं, नीचे करती रहती हैं। और यहाँ से छोटी सी खिड़की एग्जास्ट लगा हुआ है उधर बाहर निकलने का, और यहाँ से जब जैसे ही इस रूम से निकलते हैं तो रूम के जस्ट सामने उधर जो है वो छोटा रूम वहाँ से शुरू हो जाता है, आमने सामने ही ये थे। और ये इधर बस हम लोगों का सारा सामान इसमें है, सो भले हम जाते हैं मम्मी के कमरे में पर सारा जो सामान होता है अभी हम लोग के रूम में ही रहता है, क्योंकि हम बहनों का, तीनों बहनों का रूम, हम तीन बहनें हैं तो तीनों बहनों का रूम है ये, मेरे बाद एक के बाद एक सबका लगता गया है, तो ये रूम में ही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ऊपर एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ है तो कुछ चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। इधर भी कापी किताब काफ़ी ऊपर रखी हुई हैं हम लोग का, क्योंकि रूम है भाई बहनों का तो सारी चीज़ें, और मैं जब आई हूँ तो मेरा ढेर सारा सामान सब यहीं रखा हुआ है, इसके नीचे ब्रीफकेस वगैरह सारी चीज़ें, चप्पल वगैरह सा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जब आओ तो। आप लोग को भी पता है कितना लगेज हो जाता है, मेरी बुआ आई हैं उनके भी, उनका भी बैग, तो बेटियों का एक तरह से बेटियों का ही रूम है हम लोग का, इसी में सारा सामान रखा हुआ है। और सोने का हम लोग जहाँ रहते हैं बस यहाँ से निकलते हैं तो ये आंगन शुरू होता है, आंगन में अभी प्रोग्राम है मुंडन का तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, सुबह सुबह यहाँ कपड़े वगैरह सब नहा धो के डाल दिए गए हैं, आंगन में कपड़े सुखाए जाते हैं हम लोग के यहाँ। और उधर ये बुआ बैठी हुई हैं, आटा चाल रही थी थोड़ा। और इधर बस ये बाथरूम है, और वॉशरूम बाथरूम दोनों ही एक में है, वॉशिंग रखी हुई है, इधर रॉड वगैरह और बोर्ड लगे हैं वॉशिंग चलाने का, पानी गर्म करने का। और इधर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सर्फ शैम्पू वगैरह, बस ऐसा ही ये वॉशरूम हो गया। कैसा भी हो अपना, अगर साफ़ सफाई से मम्मी बहुत अच्छे से अपना घर क्लीन करके रखती हैं साफ करके, और यहाँ से बस छत पे जाने का ये रास्ता है वहीं से आंगन से ही। और यहाँ पे लगा रखा है केले का पौधा और तुलसी का पौधा, जल चढ़ाती हैं, और यहाँ से बस ऊपर जाते हैं हम लोग, तो इधर से छत ये शुरू हो जाता है हम लोगों का। इधर टंकी रखी हुई है पानी की, और ये जो छोटा सा दिख रहा है मंदिर ऊपर ही बना रखा है मम्मी डैडी लोगों ने, ऊपर ही पूजा करते हैं। और ये गांव का है, इधर बगल वालों का किसी का घर बन रहा है और मंदिर है, ये गांव हम लोग के घर के पीछे का है ये, और हमारे घर के सामने पूरे खेत वगैरह हैं, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये पीछे का एरिया है मेरा घर जहाँ पे है, किनारे पे है, और यहाँ पे बस मंदिर है छोटा सा, तो पूजा करने के लिए हम लोग ऊपर ही आते हैं सब। और ये बस मंदिर आपको मैं खोल के दिखाती हूँ, यहाँ पे ये मंदिर है, यहीं पे होती है पूजा, बहुत पहले जब मेरी शादी भी नहीं होती, हम लोग छोटे छोटे थे तब ये मंदिर बना था मेरे सामने, मैं बहुत खुश थी, मंदिर जब बन रहा था तो इसमें छोटे छोटे भगवान की टाइल्स आती थी उसमें मैंने लगवाई थी। और बस यहाँ से देखिए बाहर का नज़ारा,
ये खेत वगैरह सब आपको दिख रहा होगा जो मैंने पहले दिखाया। तो ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा मायके का घर। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय बोलते हैं, खुश रहिए पॉजिटिव।